नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चक्रवाती तूफान को लेकर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया और अगले कुछ दिनों में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अगले 48 घंटों में आ सकता है चक्रवाती तूफान माई चोंग और भयंकर से अति भयंकर तबाही मचने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। IMD ने बताया कि चक्रवाती तूफान 4 दिसंबर की शाम के करीब आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और चेन्नई के समुद्र तट को पार करेगा। विभाग के मुताबिक यह प्रणाली सुबह 5:30 बजे चेन्नई से लगभग 800 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 970 किलोमीटर, बापतला से 990 किलोमीटर और पुडुचेरी से 790 किलोमीटर दूर समुद्र के ऊपर केंद्रित थी। IMD ने कहा कि इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने, 2 दिसंबर तक गहरे दबाव में तब्दील होने तथा 3 दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की अति प्रबल संभावना बन रही है। एक बयान के मुताबिक यह उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और 4 दिसंबर की शाम के आसपास चक्रवाती तूफान के रूप में चेन्नई और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करेगा। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रणाली का ओडिशा पर भी असर पड़ सकता है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर से एक नया चक्रवाती तूफान आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जिसका नाम होगा माई चोंग और यह है दोस्तों भयंकर से अति भयंकर तबाही मचाने वाला है। 3-4 दिसंबर को तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा के अंदर भी इसका असर देखने इन सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को वापस बुला लिया है, किसी भी हालत में समुद्र के किनारे नहीं जाने दिया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि तटवर्ती इलाकों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लोगों से अपील की जा रही है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकले, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।